పోలీస్ రైట్ లో వచ్చుకో లెఫ్ట్ కు వచ్చుకో అన్న ఎంత తల వెంట మట్టు వచ్చి కాదు. काम बिसरा कोई काम नहीं सीन कर रहा है. ओम शक्ति ఓం సర్వమంగళ మంగళే శివే సర్వార్థ సాధియే శరణ్యే త్రియంబకే గౌరీ నారాయణి నమోస్తుతే శరణాగతి నత పరిత్రాణ పరాయణే అరే దేవి నారాయణి నమోస్తుతే. ఓం శక్తి.
लाइट ऑन है ना अभी बस कर दे मिले करे अपना जोक से चल रहा है ना नहीं बोल रहा तो दादा मेरा कंटिन्यूटी था इसके लिए बोला मैं पूछा ना हो गया क्या पूछो பொங்கல் தரமாட்டான் பொங்கல் தரமாட்டோம் பொங்கல் கடன் யாரும் அரிசி போடாதீங்க சொல்லிட்டேன். लेकिन रजनीकांत फैंस क्लब के सर पे 70 फीट का कटआउट आज इस दरबार प्रोग्राम में लगा है। फैंस लोग इतना खुश है आज, हमारा भगवान है रजनीकांत। पब्लिक आने को ये होता है, लेकिन आज 4:30 बजे पब्लिक इतना क्राउड है कि हमारा तलेवा को पिक्चर मूवी देखने के लिए 4 बजे से फैंस लोग इधर आ गया। ताना, मुमरा, मलाड, पुणे से बहुत सारा पब्लिक्स लोग आए हुए कि ये पिक्चर मूवी देखने के लिए, तो वी विल सक्सेसफुल दिस मूवी। थैंक्स। एक्साइटमेंट लेवल का तो बात अलग ही है हमारा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ने
इंडिया में, महाराष्ट्र में नहीं, इंडिया में भी किधर भी 70 फीट का आज तक कटआउट नहीं लगा हुआ है। उनका उनका एज को हम लोग ये नज़र पे रखते हुए उन्होंने 70 फीट का कटआउट लगाया हुआ है, तो इससे ज़्यादा हमारे लिए और एक्साइटमेंट क्या हो सकता है। अभी इसके बाद अंदर अभी शो होगा, शो से पहले एक छोटा सा प्रोग्राम होगा, एक लैंप चलाएंगे लोग, अभी उद्घाटन करेंगे, उसके बाद शो चालू होगा। फिर यहाँ पे हाई डोनेशन कैंप के बारे में बताया जाएगा, जहाँ पे 70 फ्री हाई डोनेशन सर्जरी से लेके ट्रीटमेंट से लेके आई ट्रीटमेंट से लेके सब चीज़ वहाँ यहाँ पे बताया जाने वाला है। फिर उसके बाद शो चालू होगा, फिर उसके बाद तो शो के अंदर थिएटर के अंदर जो होने वाला है उसका अंदाज़ा लगाओ ही मत, बहुत धमाल होने वाला है थिएटर के अंदर। थैंक यू। My name is Subhra Venkatraman, my age is 46. I am a big fan of Rajinikanth. When I saw Rajinikanth, that was a pilla. After that, still I am Rajinikanth fan. No Vijay, no Ajit, only one superstar. That is a Superman, that is Rajinikanth. Taleva. He is a power, he is a world superstar. No Amitabh, only Rajinikanth. And how much excitement is for Darbar movie? Darbar movie? Statement. Yeah, yesterday I never sleep. After last 1 month, I never sleep because of movie, Rajinikanth. One word to Rajinikanth. Like. What? You want dialogue? One word? Yeah. Which dialogue you want? Any. I am a original villain, okay? I am a bad cop. No! So how much excited are you people for? Very excited to. Rajini fan. Yeah, you can see. What? One karenge. Rajini. ஏய் ஆவரே வாங்க வாங்க எல்லாரும் இங்க வாங்கடா எல்லங்க இங்க ஏய் தலைவா லெஃப்ட்ல வச்சுக்கோங்க, ரைட்ல வச்சுக்கோங்க, ஆனா ஸ்ட்ரைட்டா வச்சுக்காதீங்க. அன்றும் இன்றும் இன்றும் சூப்பர் ஸ்டார். इसी तरह 70 साल के हो चुके हैं, आज भी नहीं लगते 70 के है करके, 70 है बोलने का नाम नहीं है, 70 के हिसाब से 70 फिट का कटआउट और 70 का हम लोग मतलब फंक्शन, 70 मिनट फंक्शन, 70 सेलिब्रेशन और 70 कटआउट, इस तरह का हर चीज़ 70 में लगा के हम लोग बहुत, हम चाहते हैं कि हमारे तरफ से तालेवर को इतना बड़ा इनोग्रेशन फंक्शन और देखना नहीं चाहते हम, मतलब बिग फैन ऑफ मुंबई ऐसा दिखाना चाहते हैं और हम है दिखाना नहीं, हम लोग है
बिग फैन ऑफ मुंबई ताले बार। ये पूजा वगैरह क्या हुई अगर आप थोड़ा बता दें। हाँ आज हम लोग पोंगल रखे हैं। ये है पोंगल है जो शुभ काम है, जो है कि शुभ काम के लिए हम लोग पहले शुरुआत करते हैं और फिर उसके बाद अभी पालाभिषेकम यानी के दूध का फिर वो भी रखेंगे अभी। और उसके तरफ से हमारा सबसे बड़ा बिग फैन काला अरुण तो है कि उधर आ रहे सेरेमनी का मीडिया अट्रैक्शन है, सबसे बड़ा मीडिया अट्रैक्शन है वो वहाँ पे आ रहे हैं। बस बोल नहीं सकते, एंजॉयमेंट कर रहे हैं। वी ऑल आर एंजॉय, वी ऑल आर एंजॉय इट। इतना कुछ अभी पता नहीं। थैंक यू और रजनीकांत के लिए मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे तलेवा। लेट हमेशा आते हैं, मतलब पिक्चर सॉन्ग चालू हो जाएगा तो उसके लिए हम लोग पूरा फैमिली पूरा जो महिला लोग लेडीज है सब लोग मिल के आते हैं, हर शो देखते हैं, अच्छा खुशी एंजॉय करते हैं। फेस्टिवल काइंड ऑफ हो जाता है ना जब भी तलाइवा की छुट्टी आती है तो एक फेस्टिवल काइंड ऑफ हो जाता है जब भी ये तलाइवा। न्यू ईयर कैसा ऐसा तमिल लोग का पोंगल आता है, पोंगल है पोंगल में ऐसा हम लोग तमिलनाडु में बहुत बड़ा पोंगल है उस टाइम पे तलवर सर का पिक्चर आता है तो आने का टाइम वो बहुत एकदम हम लोग पोंगल है एंजॉय तमिल लोग का। अभी ये जो उबल के आएगा पिक्चर चालू करेगा शुरू है இல்லையே என்னது அந்த பையன் எடுத்துட்டு போயிட்டா ஒரு பையன் அச்சா சே மஜா சே பிக்சர் தேக்கேகா சல ஜாயேகா பஹோத் ஃபேன் ஹே ஹம் அங்க போற ஜாயேகா தேங்க் யூ சோ மச் தேங்க் யூ வெல்கம்। तलेवर जो है 70 साल में अभी जो कर रहे हैं उनके जो उम्र है तो ये पुलिस का कैरेक्टर मुझे देखने बहुत सालों के बाद दिख रहा है क्योंकि हम बचपन में मेरे पापा दिखाए थे कि पुलिस कैरेक्टर में अभी हमारा ये भी जनरेशन है हम भी देख सकते हैं तलेवर को इतने बहुत अच्छे काम किए बहुत मेहनत किए हमारे जो तलेवर ने और इसमें देखना है कि तलेवर असली के पुलिस है या विलेन है उसके लिए ज़्यादा एक्साइटमेंट है और देख के हम बताते क्या होने वाला है क्या इतना कुछ। ठीक है नहीं हम लोग हर साल तलेवर का जो पिक्चर आते हैं हम कुछ डिफरेंट ही करते हैं तलेवर के लिए ताकि कोई और नहीं कर सके क्योंकि हमारा जो तलेवर रसीगर फैन है ना वो कोई भी और कोई फैन नहीं हो सकता है सिर्फ रजनीकांत सुपरस्टार रजनीकांत के फैन ही ऐसे हम कर सकते हैं। कितना भारी है ये जो आपने पहना हुआ है बता दें जरा। तलेवर जो फैन होते हैं ना उसके लिए भारी हल्का वेट कुछ नहीं होता है हम जो करते हैं दिल से करते हैं उसमें कोई हमारा कोई वजन वगैरह कुछ नहीं पड़ता। थोड़ा चौरब जोर से स्टार्ट हो जाए तलेवा तलेवा तलेवा।
थैंक यू थैंक यू। एक्साइटमेंट तो दिख रही है आज काफी, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे आपके अंदर कितनी एक्साइटमेंट है रजनीकांत की? मैं मैडम एक्साइट आज नहीं हूँ, आज दो महीने से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और दो महीने से पिक्चर का इंतजार कर रहा हूँ। मैं सुपर हिट पिक्चर बाहुबली से भी आगे पिक्चर चलने वाली है, क्योंकि फैन लोगों का इतना माहौल देख के ऐसा लगता है कि पिक्चर बहुत फॉर्म में चलेगी और बहुत सुपर डुपर चलेगी। ये फुल गेटअप में आए हैं, मतलब स्कोप बन के आए हैं। मैडम डायलॉग तो बनता ही है इस मूवी का। डायलॉग बनता है। सर से कहिए पुलिस के लेफ्ट साइड में या राइट साइड में मत चलते रहो, आगे मत चलो। मतलब ये पूरा तलाइवा का ही जो इस मूवी में अटायर है वही है, उनका नाम भी आपके उसमें बैच में लिखा हुआ है, क्या कहना चाहेंगे, कितनी एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं दरबार मूवी से आप? देखो मैडम, दरबार पिक्चर ऐसा है कि अभी इतना मैं दो महीने से तैयारी कर रहा हूँ तो मुझे भी टिकट मिली नहीं है। मैं भी थिएटर के बाहर हूँ, अभी तक सब फैन लोग अंदर गए, मैं बाहर हूँ, मुझे टिकट नहीं मिली है। लेकिन देखो ये सर, मैं तो दो महीने से ट्राई कर रहा हूँ, कितने महीने से फैन लोग ट्राई करते हो गए, देखो मुझे भी टिकट मिली नहीं है। इतना फॉर्म में और इतना पिक्चर सुपर ऊपर चलने वाली है। तलाइवा के लिए एक चौरप हो जाए जोर से, तलाइवा। एक आपका लुक पे विजुअल है ना, 2 मिनट तलेवर है। फर्स्ट ऑफ ऑल बताना चाहता हूँ, हम लोग का जो फैन क्लब है, हम लोग सैंटा को से बिलोंग करते हैं, सुपरस्टार रजनीकांत फैन क्लब शंकरधाम से। तो एक्साइटेड तो रहता है, ये वेट करते हैं हम लोग दिवाली से पहले कि रजनीकांत का पिक्चर रिलीज होए, ताकि हम लोग सब साथ आए। कि जितने लोग हैं, हम लोग साल में एक या दो ही बार मिलते हैं रजनीकांत की मूवी के टाइम, तो उतने एक्साइटेड है। तो उसके रात से हम लोग यहाँ पे फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखें तलेवर का, और पता चलेगा कैसा रिस्पॉन्स है, तो एक्साइटमेंट है सबके। उन लोगों क्या कहना चाहेंगे आप लोग, मतलब बहुत दिन बाद रजनीकांत पॉप के अटायर में दिखने वाले हैं, क्या कहना चाहेंगे, कितनी एक्साइटमेंट है आप लोगों? सिर्फ तलेवर को देखने के लिए हम लोग इतना वेट कर रहे हैं, बस सिर्फ तलेवर का एक झलक, उसकी एक्टिंग, उसकी हरकत, सब कुछ, वो जो फिल्म में उतारते हैं, वो जो उसका मास्टरपीस जो उतारते हैं ना, वो चीज़ देखते हैं हम लोग और उसमें हम लोग मदहोश हो जाएंगे। अंदर का तो तुम छोड़ दो, ओनली तलेवा के लिए आए ले, बस बस तलेवा तलेवा को, ओनली रजनीकांत को। सच्ची में वो लेजेंड है, द बॉस कि उसको एक्टिंग की कहा जाता है इसके लिए, क्योंकि उनका जो एक बायोपिक भी अगर बनेगा तो रजनीकांत ही बना सकते हैं, क्योंकि वो अगर फुल एक्ट कर सकते हैं उनका जो रोल है वो पूरा। तो एक्साइट में जो स्टाइल उनका चलने का रहता है, इनके एज के बाद भी उनका स्टाइल वैसे का वैसे ही जो उनका स्टार्ट फर्स्ट मूवी में था, तो सेम ही है। हाँ, लोग अभी सिंघम को भूलने जाने वाले हैं, लोग अभी सिंघम को भूल जाएंगे शायद। उसके बाद स्टाइल उनका बहुत बढ़िया है, स्टाइल बहुत बेहतरीन है, उसके स्टाइल में सब फिदा है, सब उसके लिए, सब इसके लिए हम लोग आए, उसकी स्टाइल देखने आए हम लोग, और किसी के लिए आए बोले क्या करेंगे तो हम उनको फॉलो करेंगे। आज हम नौजवान हैं, हम छोटे हैं, हम तो बहुत टीनेजर हैं हम लोग, हम उनको फॉलो करना है कि वो इतने बड़े उन लोग कुछ करेंगे तो हम उनको फॉलो करेंगे, इसके लिए हम लोग आए ले उसको देखने, तो बहुत मज़ा आएगा अमेरिका से पिक्चर में। ओके, लास्ट एक चौरा, एक स्टेप जो रजनीकांत का आप लोग का
फेवरेट हो। उसके पहले बताना चाहता हूँ कि जो फैन क्लब है जहाँ पे है हम लोग, लोग 10 से 12 लोग हैं, इसमें से 6 जन जो है नॉन साउथ इंडियंस है एक्चुअली में, जो अलग अलग कास्ट के सिर्फ यहाँ पे इसके लिए आए, यहाँ पे ये लोग सिर्फ रजनीकांत के लाए। तो सोचो इतने बड़े हम फैन फॉलोअर्स है रजनीकांत के, ये बताना चाहता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो जितने लोग हैं जिसको तमिल भी नहीं समझ में आएंगे, सिर्फ तलेवर के लिए लोग आए थे, उनका स्टाइल देखने के लिए, उनका रोमांस देखने के लिए, उनका एक्शन देखने के लिए यहाँ पे आए, ये बताना चाहता है। ये हम लोग की फैन क्लब की जो खासियत है ये चीज है करेंगे। दो कर देंगे भाई, एक शूट करो, चलो एक दो तीन चार ऐसा रोल रोल, वन टू थ्री धन्यवाद।